स्नोबॉल है, कोई भी आप चीज को ट्रॉली को इसके साथ खींच सकते, मेड इन ताइवान, आप देख सकते हैं प्रॉपरली ना मेंशन है। आवाज देखिए आप, एयरबैग ये ना सस्पेंशन, दो लोग इसके अंदर आराम से ना बैठ जाते। 300 सीसी मॉडल नंबर एक्सट्रीम 300 सीसी रेडिएटर आता है, ऑयल कूल इंजन, एमरॉन की ना बैटरी, 2 इयर्स की ना वारंटी के साथ। जापानी आती है तो चाइनीज आती है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 99 एंटरप्राइजेस 10 इयर्स ऑफ ट्रस्ट। एक्सट्रीम 300 सीसी ब्लैक कलर बहुत ज्यादा ना डिमांड में होता है ये वाला भी ना कलर, मैं आपको ना दिखाता हूँ, एकदम फ्लोरेसेंट है, फ्लोरेसेंट एकदम होता है ये ब्लैक कलर में, पूरा ना ब्लैकिश में आता है। एक्सट्रीम 300 सीसी ऑटोमेटिक इंजन के साथ, ऑटोमेटिक इंजन है, देखिए एक गियर आगे न्यूट्रल और ये बस रिवर्स, बस कुछ नहीं ना करना इसके अलावा। डिजिटल मीटर है जो कि ना कलर्स भी ना चेंज करता है, ये देखिए आप अपने हिसाब से ना कलर्स को ना लगा सकते हैं जैसे आप ना चाहें। मैंने इसके साथ ये लगाया, अच्छा ना लगता है ना ब्लैक में, ये सब कुछ इसके अंदर ये वर्किंग होता है, सिर्फ इसमें ना पेट्रोल का इंडिकेशन नहीं आता, बाकी ये सब चीज़ों में ये चलता है। ये ना देखिए, मैंने ये ना डाला यहाँ पे, ये ना 1 आ गया दोस्तों, 1 नंबर आ गया इसे। अब आप ना देखते ना रहिएगा, मैंने ये रिवर्स करा ना, आर आ गया, आगे ना डालूंगा न्यूट्रल आ गया। तो इसमें सिर्फ ऑटोमेटिक है, ऐसे ही होता है। पीछे से आपको ना दिखाता हूँ इसका डबल साइलेंसर है, बहुत प्यारी आवाज़ है, आपको आपको ये आवाज़ भी इसकी याना सुनवाता हूँ। नीचे ये ना टोबॉल ना दिया हुआ है, टोबॉल है, कोई भी आप चीज़ को ट्रॉली को इसके साथ खींच सकते हैं। मैं अभी आपको एक ना नीचे ना वीडियो भी ना दिखाऊंगा जहाँ पे वो ना खींच रहे हैं ना ट्रॉली को, किसी भी आप ना ट्रॉली को भी को इसके साथ ये ना खींच सकते हैं। वेट कैपेसिटी इसका पैसेंजर्स के साथ 400 केजी है, हाँ दोस्तों 400 किलो आप इसके साथ पैसेंजर्स को ना मिला के आप इसके साथ इसको टो से भी ना खींच सकते। मैं इधर से आपको ना दिखाता हूँ, ये ना सेल्फ स्टार्ट भी होता है और ये ना किक स्टार्ट भी होता है, ये इसका ना किक है, प्रॉपरली इंजन पे ना मेंशन होता है, वहीं से ही आता है ना इंजन, मेड इन ताइवान, आप देख सकते हैं प्रॉपरली ना मेंशन है। और ये गाड़ी ने स्टार्ट हो गया, बहुत बढ़िया आवाज है, मैं आपको एक बार इसकी आवाज भी ना सुनवाता हूँ पीछे से, आवाज देखिए आप, एवरेज आएगी इसकी 20 से 25 की। 7 लीटर का ना पेट्रोल का ना टैंक है, 7 लीटर तक आप इसमें पेट्रोल को ना डाल सकते हैं। इसमें सारी की सारी ना डिस्क ब्रेक्स हैं, टोटल आगे भी पीछे भी सब जगह ना डिस्क ब्रेक्स हैं, इतने बढ़िया या ना शॉकर्स हैं, आपने शॉकर्स देखिए कितने बढ़िया या ना शॉकर्स हैं, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन या ना शॉकर्स हैं। आप जब बैठेंगे ना पीछे तो इसमें कोई आपको झटका नहीं आ सकता, ये देखिए कोई इसके अंदर झटका नहीं आ सकता। एयर बैग ये सस्पेंशन हैं, शॉकर्स हैं पीछे इसमें बैकरेस्ट भी ना दिया हुआ है ताकि मतलब अच्छे से दो लोग ना बैठ सकें, दो लोग इसके अंदर आराम से ना बैठ जाते हैं। आगे से मैं ना आपको इसकी ना लाइट दिखाता हूँ, एक भाई ने दोस्तों लाइट देखी, ऐसी लाइट्स आती हैं 4 उसके साथ एलईडी के साथ कि अगर आप इसको ना रात को लेट के निकलेंगे तो मैं आपको ना बता रहा हूँ कि आपसे ना लोग बार रोक के ना पूछेंगे कि ये क्या चीज़ है। देखिए ना दोस्तों, ATVs सिर्फ ऑफ रोडिंग के लिए होती है, इनका ना रजिस्ट्रेशन नहीं होता, ये ऑन रोड भी अलाउड नहीं होती है, बट आप इनको प्राइवेट प्रॉपर्टीज में, फार्म हाउसेज में, घर के आसपास जहाँ पर भी आप मतलब ना चलाना ना चाहे, रोड्स को ना छोड़ के आप इसको ये ना चला सकते हो दोस्तों। इसमें ये प्रॉपरली ना मेंशन भी होता है, ये आप देखिए प्रॉपरली ना मेंशन है, 300 सीसी मॉडल नंबर एक्सट्रीम 300 सीसी, वेट इसका है 193 केजी, 2022 एडिशन है, 400 केजी का ना वेट कैपेसिटी है।
एवरीथिंग इज मेंशन, ये ना ऑयल कूल इंजन है, ऑयल कूल बकायदा इसमें ना रेडिएटर आता है, आप देखिए रेडिएटर आता है, ऑयल कूल इंजन है इसका ना काम होता है कि ये ऑयल को यहाँ से ना ठंडा करके दोबारा से इंजन में ना भेज। दोस्तों मेंटेनेंस इस गाड़ी की कोई ज़्यादा नहीं है, एक लीटर का इंजन ऑयल आपको ना डालना होता है हर 3 महीने के बाद। हम सजेस्ट करते हैं कि आप इसको एक बार ही ऑयल चेंज करा लीजिए और साथ में 1 लीटर इंजन ऑयल चेंज होगा, स्पार्क प्लग इसमें ये साफ होगा। हाँ वारंटी गारंटी इसके ऊपर में नहीं आती है 80-20 पर सारे पार्ट्स अवेलेबल है, कोई भी बाइक मैकेनिक सर्विस रिपेयर कर देता है, कहीं से इसमें कोई ऐसी ना दिक्कत नहीं आती कि बाद में इसके पास नहीं मिलते। ये दोस्तों ना ताइवान से आया हुआ ना प्रोडक्ट है, हम लोग ना चाइनीज आइटम्स नहीं बेचते, तो चाइनीज में ना दिक्कत आती है कि जी ना पार्ट्स नहीं ना मिलते, बट इन गाड़ियों के आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे और कोई भी बाइक मैकेनिक इसको ना सर्विस रिपेयर भी ना कर दे। दोस्तों हम इसमें आपको एमरॉन की बैटरी ना दे रहे हैं, एमरॉन की ना बैटरी 2 ईयर्स की ना वारंटी के साथ, वारंटी कार्ड भी इसके ना अंदर ही आएगा। 80-20 पर ना वारंटी गारंटी ना नहीं होती, बट ये इस बारी हम ये ना दे रहे हैं, ये सीट के ना नीचे ना लगी होती है, एमरॉन की ना बैटरी ना दे रहे हैं 2 साल की ना वारंटी के साथ, ताकि ये अच्छे से ना चल पाए। दोस्तों ये हमने ना स्टेप इस वजह से ना लिया है क्योंकि इसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक ना विंच भी ना ऐड करी है। अभी मैं आगे आपको विंच का भी ना दिखाऊंगा, तो वो विंच के लिए हमें एक ना अच्छी ही बैटरी ना देनी थी। हम अपने ना क्लाइंट्स के बारे में पूरा ना सोचते हैं कि ना उनको कहीं से कोई ना तकलीफ ना हो। हम प्रोडक्ट को ना क्वालिटी चेक के बाद ही ना बेचते हैं, हमारा ना डिस्पैच होने से पहले 3 बार ही ना क्वालिटी ना चेक होता है, उसके बाद ही ना प्रोडक्ट यहाँ से वो ना डिस्पैच होता है। दोस्तों ये प्रॉपर 2 सीटर है, 2 लोग आराम से ना बैठ सकते हैं। अब देखिए कितनी इसमें ना फुट रेस्ट में ना जगह है, दो लोग इसमें आराम से ना बैठ सकते हैं। दोस्तों अलॉय व्हील्स 12 इंच के ट्यूबलेस टायर्स हैं अलॉय व्हील्स के साथ। ये वो टायर्स हैं, ब्लॉक टायर्स हैं, जो कि मिट्टी में कहीं पर भी अच्छे से पकड़ के ना चलते हैं और इसमें कहीं कोई पंचर भी नहीं हो सकता। जब तक आप ना चाहें कि मैंने हथौड़ी से इसको पंचर होना करना है, तब तक इसमें कोई ना पंचर भी नहीं हो सकता। दोस्तों कुछ लोग ना बोलते हैं जी पीछे भी ना स्टेपनी दो, स्टेपनी आती है ना चाइनीज एटीवीज में। देखिए आप ना लॉजिक को ना समझिए, स्टेपनी ना लगाने के बाद एक तो इसमें स्टेपनी का मतलब यूज नहीं है, लगाने के बाद साइलेंसर्स उसमें ना छुप गए, आगे पीछे के इसके टायर्स का साइज ना डिफरेंट होता है। ये वाले थोड़े से ना पतले ना होते हैं क्योंकि ये मिट्टी को ना काटते हैं, ये ना मोटे होते हैं पीछे वाले। मैं इधर से आपको ना दिखाता हूँ एक बार ही, देखिए आप ये वाले ना पतले होते हैं थोड़े से, जो मिट्टी को ना काटते हैं, और ये वाले मोटे होते हैं, तो इसलिए इसमें स्टेपनी का कोई यूज़ नहीं है, कहीं से भी ना कोई यूज़ नहीं है। स्टेपनी ना लगाने के बाद गाड़ी एटीवी ना हैवी हो जाएगी, समझिए लॉजिक को। अगर हमने इसमें स्टेपनी ना लगा दी तो एक तो कोई ना यूज़ नहीं है, आगे पीछे के टायर्स ही ना लगें, पंचर होते ही नहीं, तो आपकी वो स्टेपनी ना यूज़ कब आएगी। अच्छा ना लगा दी तो वो पीछे के आपके जो ना हमने जो ना डबल साइलेंसर को ना दिए हैं वो ना छुप जाएंगे। तीसरा मेन पॉइंट कि ये स्टेपनी इस पे ना लगाने के बाद आप इसका वेट कैपेसिटी भी ना कम कर रहे हैं, ऊपर से इसकी आप ना एवरेज को भी ना कम कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें स्टेपनी की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टेपनी सिर्फ वो चाइनीज एटीवीज में मतलब लगाते हैं एक ना चीज़ को ना भरने के लिए, जबकि इसमें फुली लोडेड है, कहीं से इसमें कोई ना दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं आपको इसका एक बार विंच की ना पावर भी ना दिखाता हूँ ना दोस्तों, मजा आएगा आपको ना देख के वो चीज। अब मैं आपको इसकी ना विंच की ना पावर यार बताता हूँ। आगे इसमें ना विंच होती है इलेक्ट्रॉनिक वाली, एक बार आपको इसका ना बटन भी ना दिखाता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विंच है ये हो गया इनके लिए और ये हो गया आउट के लिए, ठीक है ना दोस्तों। अब मैं आपको ना दिखाता हूँ वो ना देखिए,
अच्छा इसमें इसमें ना एक बात और आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें ये ना ब्रेक लॉक्स भी होते हैं, ब्रेक लॉक भी आप ना करके इसको वो स्लोप पर अगर ये ना खड़ी है तो आप इसको ब्रेक लॉक ना कर सकते हैं, तो ये ना आगे पीछे नहीं होगी। मैंने उसकी वो ना पावर, ये विंच की ना पावर को ना दिखाने के लिए इसमें ये ना ब्रेक लॉक्स को मैं कर दिया है। अब आप ना देखेंगे मैं इसको खींचूंगा तो ये है अपनी माउजर, माउजर 125 cc, उसके ऊपर 85 kg का बंदा ना बैठा हुआ है, टायर्स भी नहीं है उसमें, और ये इसको अभी ना पुल ना कर लेते आराम से, देखिए दोस्तों। देखा देखा आपने कितनी पावर है, एक ये छोटी मोटी ना गाड़ी को भी अपने पास ना खींच सकती है। वैसे ना दोस्तों विंच का ना इसलिए मतलब होता है ना यूज की कहीं पर अगर ये विंच हमारी, ये गाड़ी हमारी कहीं पे ये रुक गई अटक गई तो हमें वहां से उसको ना खींचने के लिए ना विंच का ना विंच का यूज होता है। और विंच भी इसमें बहुत बढ़िया वाली ना लगवाई है, इलेक्ट्रॉनिक वाली। दोस्तों बहुत ही लिमिटेड से ना पीसेज हैं ना अवेलेबल, बहुत ही लिमिटेड, बल्कि मैं तो नहीं बोलूंगा मिलिट्री कलर ने खत्म हो गया है बिल्कुल। इसके अंदर आपका कैमो ना ब्लू वाला भी कलर वो खत्म हो गया है, कलर्स जो ना अवेलेबल हैं ब्लैक में एक दो ना पीसेज अवेलेबल हैं, कैमो ग्रीन कलर में दो तीन पीसेज अवेलेबल हैं, ऑरेंज कलर अवेलेबल है दो तीन पीसेज। इसको भी ना चाहिए हो वो प्लीज जल्दी से ना जल्दी अपने पास इसको ना बुक करा के ना मंगवा सकता है। ये आएगी VRL ट्रांसपोर्ट या फिर TCI वो ट्रांसपोर्ट से ही आएगी, सेफ एंड सिक्योर आएगी आपके पास। तो जिसको भी ना चाहिए हो वो ये हमारे ना नंबर्स हैं, आप हमसे ना कॉल करके या फिर ये ना व्हाट्सएप पे इसकी इंक्वायरी ना करके आप इसको ना मंगवा सकते हैं। 2022 एडिशन के बहुत ही तीन लिमिटेड सा ना स्टॉक रह गया है, ज़्यादातर इसकी ना बुकिंग ने पहले ही दी, माल वो ना ख़त्म हो चुका है। अब अगर किसी को भी ना चाहिए हो तो वो प्लीज़ हमारे को ना कॉल या फिर व्हाट्सएप से ना बता सकते हैं।